मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के बारे में। इससे पहले के 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, भीमबेटका क्या है? भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका क्या है? पहाड़ी है। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। किस जिले में है? तो रायसेन जिले में है। किस जिले में है? रायसेन जिले में है, ठीक है। और भीमबेटका से कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो ये लगभग 700 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, यही पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? लगभग 700 गुफाएं। और आगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भीमबेटका की खोज कब हुई थी, तो वो हुई थी 1957 में। कब हुई थी? 1957 में इसकी खोज हुई थी। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी गुफाएँ 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई थी। कौन सी गुफाएँ 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई थी, ये पूछा गया है। तो ये शामिल की गई थी भीमबेटका। कौन सी? भीमबेटका। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि भीमबेटका की पाषाण गुफाएँ स्थित हैं। भीमबेटका की पाषाण गुफाएँ कहाँ पर स्थित हैं? तो आपको पता होना चाहिए, स्थित है आपकी विंध्याचल की पहाड़ियों में। कहाँ पर स्थित हैं ये? ये विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। आपको पता है कि भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका गुफाएं जो मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में हैं, ये भी पता है, ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी? ये हुई थी 1957 ईस्वी में खोज हुई थी। यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। कैसे? प्रागैतिहासिक चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं, मतलब कहाँ पर स्थित हैं? टीजीटी 1999, 2011, 2013, पीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित हैं? तो आपको बताइए कि मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में हैं। यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं, इनकी खोज 1957 ईस्वी में हुई है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? कि भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की? श्री बी एस वाकड़कर, ये चित्रों की खोज की थी इन्होंने। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज किसने की? श्री वी एस वाकड़कर, इन्होंने की थी, ठीक है। सबसे पहले खोज का पता कब लगाया गया था? 1957 ईस्वी में। यहाँ से कैसे चित्र प्राप्त हुए हैं? प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, टीजीटी 2011 पीजीटी 2004 में आया हुआ, भीमबेटका की खोज हुई थी। भीमबेटका की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी 1957 में, यही बात हो चुकी है। भीमबेटका खोज कब हुई थी? 1957 में इसकी खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भीमबेटका के गुहा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लाल। सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? तो सबसे अधिक लाल। कहीं कहीं पे सफ़ेद मिलेगा, पीला मिलेगा और हरा भी मिलेगा, लेकिन सबसे अधिक मिलेगा लाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, टीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ है, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ से बने हुए मिले हैं? शैल चित्र अधिकतर कहाँ से बने हुए मिले हैं? तो बने मिले हैं दीवार व छत पर। कहाँ पर? दीवार और छत पर बने हुए मिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, टीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ कि भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? भीमबेटका की गुफाएं
किस शहर के नज़दीक हैं? ये है तो ये भोपाल के नज़दीक हैं। कहाँ पर? भोपाल के नज़दीक में। किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो आप पता हो जाएगा मध्य प्रदेश में ही भोपाल पड़ता है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है मध्य प्रदेश भोपाल। तो ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? रायसेन जिले में है। ये पता है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको देख, क्वेश्चन आपके सामने है कि भीम बेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो हो जाएगी आपकी मेसोलिथिक। क्या हो जाएगी? मेसोलिथिक। इसे क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल की। किस काल की है? मध्य पाषाण काल। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है TGT 2009 में आया हुआ, भीम बेटका लखनियादरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रागैतिहासिक चित्र के लिए प्रसिद्ध है। काहे के लिए? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सी मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सी जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका सिंघनपुर, आदमगढ़, भीमबेटका, लखनिया, तो कौन सी नहीं है? तो लखनिया नहीं है, यह मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग इतनी बात। लखनिया है कहाँ पर स्थित? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? मिर्ज़ापुर में। ठीक है, कहाँ पर? मिर्ज़ापुर। तो सिंघनपुर, आदमगढ़ या भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगर बताना सिंघनपुर की बात की जाए तो इस समय ये सिंघनपुर कहाँ पर स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ में, वर्तमान में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, PGT परीक्षा 2021 में आया हुआ, लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो मैंने आपको बता चुका हूँ कहाँ से हैं, ये मिर्ज़ापुर से हैं। ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, PGT परीक्षा 2011 में आया हुआ, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? तो आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की थी। किसने की थी? आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने इस खोज की थी। ठीक है, कब की थी? 1880 में की थी, 1880 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा, TGT 1999 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे पहले खोज किस क्षेत्र में हुई? भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले किस क्षेत्र में हुई? मिर्ज़ापुर। कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका PGT परीक्षा 2002 में आया हुआ है कि मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सबसे अधिक चित्र इस विषय पर है, मतलब किस विषय पर बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं आखेट पर। किस विषय पर बने हुए हैं? आखेट। आखेट मतलब शिकार। चित्र बने हुए हैं सबसे अधिक शिकार पर। आगे देखिएगा, TGT परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर स्थित है? मिर्ज़ापुर में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइएगा घोड़मंगल कहाँ पर है, इसका चित्र कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर में हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनको आप लोग याद कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, कौन सा है? एक गुफा है, इसका नाम है विजयगढ़। विजयगढ़ गुफा है, उसमें देखिएगा क्या है, तीन आदमियों को लाल, पीले और सफ़ेद रंग से बनाया गया है। तीन आदमियों को कौन कौन से रंग से? लाल, पीला और सफ़ेद, इन रंग से बनाया गया है तीन आदमियों को। कौन कौन से? लाल, पीला, सफ़ेद। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मानिकपुर गुफा के बारे में, लिखा हुआ है देखिए मानिकपुर गुफा, इसके बारे में पूछें, तो यहाँ पर क्या है कि पहिए रहित गाड़ी और तीन घोड़ों का अंकन। क्या है यहाँ से? पहिए रहित गाड़ी और तीन घोड़ों का अंकन यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है,
अगर बेल्लारी की हम लोग बात करें तो यहाँ पर शिकार का एक ऐसा दृश्य है और उसमें जादू के विश्वास के अनेक प्रचलित चिन्ह अंकित हैं। मतलब यहाँ आपको याद कर लेना है कि यहाँ पर जादू के विश्वास के चित्र यहाँ पर हैं कि जादू पर लोग विश्वास करते हैं उसके चित्र बने हुए हैं और यहाँ पर शिकार के भी दृश्य बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है षटकोण। क्या लिखा हुआ है? षटकोण। यहाँ पर एक षटकोण का चित्र भी बना हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेल्लारी में। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि घोड़मंगल स्थित है तो कहाँ है? ये मिर्ज़ापुर में स्थित है। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में स्थित है। उत्तराखंड GIC प्रवक्ता परीक्षा 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। TGT परीक्षा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है? किसका? गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है, ये आपसे पूछा गया है। गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हरनी हरण से। कहाँ से ये प्राप्त हुआ है? हरनी हरण से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, इनको आप लोग सही तरीके से तैयार भी कीजिएगा। और मैंने आपको इसी चैनल पर TGT PGT के लिए एक हैंड रिटन नोट्स का कोर्स, कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराया था, जिसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और बकाया के जो प्रैक्टिस सेट है आपने नहीं देखे इससे पहले के, वो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगला है कि मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों को हम किसकी छवियाँ देख सकते हैं? मतलब मिर्ज़ापुर के जो पहले पूर्व ऐतिहासिक चित्र उनमें हम किसकी छवियाँ देख सकते हैं, किसके चित्र देख सकते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके घोड़े और हाथी। किसके चित्र देख सकते हैं? घोड़े और हाथी के चित्र हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।